मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अफगान पनाह गुजीनों को कनाडा लाने पर गौर कर रहे हैं। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि अफगान मुहाजरीन के मामले पर लचक दिखाएंगे। अगस्त 2021 से अब तक 36,530 से ज़ायद अफगानों को कनाडा लाया गया। कैनेडियन वज़ीर माहौलियात चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर माहौलियात चीन में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पियर पॉलिवर का कहना है कि लिबरल्स ने बीजिंग का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं किया। यूनिवर्सल फार्मा केयर प्रोग्राम मौसम खजा में कानून साजी की जाएगी। कैनेडियन वज़ीर सेहत का कहना है कि कानून साजी के लिए कोई ज़्यादा मखसूस टाइम लाइन नहीं है। प्रोग्राम का तखमीना $15 बिलियन सालाना है। भारत में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतें 81 हो गईं। नशेबी इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तुर्किया में तारीख का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब और ईरान के दिफाई हुकाम की मुलाकात। अहदेदारों ने दिफा और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाहमी तालुकात के साथ साथ उनको बेहतर बनाने के तरीकों का जायजा लिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। पनाह गुजीनों के वकालत करने वाले ग्रुपों और अपोजिशन जमातों के कई महीनों के दबाव के बाद कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि वो अफगानों की तादाद बढ़ाने के बारे में सोच रही है जिन्हें वो कैनेडा ला सकती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पनाह गुजीनों की वकालत करने वाले ग्रुपों और अपोजिशन जमातों के कई महीनों के दबाव के बाद वफाकी हुकूमत का कहना है कि वो अफगानों की तादाद बढ़ाने के बारे में सोच रही है जो वो कनाडा ला सकती है। लिबरल पार्टी के 40,000 अफगान महाजरीन को कनाडा लाने के आखिरी वफाकी इंतखाबी मुहिम के दौरान तय किए गए हदफ का हवाला देते हुए इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने कहा, अवामी तौर पर यह कहना महफूज है कि हम कुछ लचक दिखाएंगे। वाजह तौर पर इन लोगों की तादाद में कुछ गैर यकीनी सूरत हाल है जिन्होंने कनाडा की मदद की, और वाजह तौर पर उनके कुंबे के अफराद, उनके खानदान के अफराद कौन हैं और उन लोगों को इस मुल्क में किस खतरे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि अफगानों के लिए इमिग्रेशन के बहुत से सिलसिले में से किसको बढ़ाया जा सकता है। इन सिलसिले में से एक खसूसी इमिग्रेशन मेजर्स प्रोग्राम खास तौर पर उन अफगानों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने अफगानिस्तान में अपने मिशन के दौरान कैनेडियन फौजियों की मदद की। मार्क मिलर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें लोगों की सही तादाद के बारे में मुकम्मल समझ नहीं है। हमारे पास एक तादाद है जिसने कनाडा को, खास तौर पर उनके खानदान के अफराद और उन लोगों की मदद की जो खतरे में हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि उसने अगस्त 2021 से अब तक 36,530 से ज़ायद अफगानों को कनाडा में दाखिल किया है। वफाकी वज़ीर माहौलियात स्टीवन गैलबिलेट माह के आखिर में फितरत के तहफ़ और मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने पर सिफारती बातचीत के लिए चीन जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर माहौलियात स्टीवन गैलबिलेट माह के आखिर में फितरत के तहफ़ और मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने पर सिफारती बातचीत के लिए चीन जा रहे हैं। गैलबिलेट के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक वजीर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक चाइना काउंसिल फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में शिरकत के लिए मुल्क में रहेंगे। वो अमरीका, फ्रांस,
जर्मनी और यूरोपीय कमीशन के दीगर सरकारी अहदेदारों और रहनुमाओं के तनाजर में पैरवी करेंगे जिन्होंने चीन का दौरा किया है जब से बीजिंग ने कुछ माह कबल COVID-19 पाबंदियां हटा दी थी। उन पाबंदियों की वजह से कनाडा ने मॉन्ट्रियल में अक्वामे मुतहदा की हयातियाती तनु कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। एक कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकार चीन में होना था। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, कनाडा के एक बयान में कहा गया है कि पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और हयातियाती तनु के ट्रिपल बहरानों का सामना है। ये ऐसे बहरान है जिनकी कोई जुग्राफियाई सियासी सरहदें नहीं है और जिनके लिए फौरी बैनुल अक्वामी तआवुन की जरूरत है। आलमी माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए चीन की शमूलियत की जरूरत है। गल्बो का चीन का दौरा ऐसे वक्त में आया है जब वफाकी हुकूमत और अपोजिशन जमातें कनाडा की जमहूरियत में चीन की मदाखलत के बारे में अवामी तहकीकात की जरूरत पर बातचीत जारी रखे हुए है। गल्बो के दौरे के बारे में तबसरा करने के लिए पूछे जाने पर कदामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने कहा कि लिबरल्स ने बीजिंग का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं किया। पॉलिवर ने कहा, हम फौरी तौर पर अवामी इंक्वायरी और एक मुकम्मल रजिस्ट्री का मुतालबा कर रहे हैं ताकि किसी भी ऐसे शख्स की शनाख्त और पर्दाफाश किया जा सके जो हमारी सियासत में हेरा फेरी करने के लिए मुआवजे पर गैर मुल्की आमरियत के लिए काम करता है। ये कॉमन सेंस है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के नए वजीर सेहत का कहना है कि एक आलमगीर फार्मा केयर प्रोग्राम को लागू करने के लिए कानून साजी इस मौसम खजा में पेश की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के नए वजीर सेहत का कहना है कि एक आलमगीर फार्मा केयर प्रोग्राम को लागू करने के लिए कानून साजी इस मौसम खजा में पेश की जाएगी। साल के आखिर तक कौमी यूनिवर्सल फार्मा केयर प्रोग्राम के क्याम के लिए कानून साजी करना लिबरल्स और NDP के दरमियान हाउस ऑफ कॉमन्स की फरहमी और एतमाद के माहदे की शर्त है। इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए हुकूमत की कानून साजी को हाउस ऑफ कॉमन्स और सेनेट से गुजरना होगा और दिसंबर में पार्लियामेंट के वक्फे से पहले दो कमेटियों के मुताले से गुजरना होगा। वजीर सेहत मार्क हॉलैंड, जिन्होंने गुज़िश्ता माह काबीना की तब्दीली में पोर्टफोलियो संभाला, सहाफ़ियों को बताया कि बातचीत जारी है लेकिन वो हाउस ऑफ कॉमन्स की वापसी पर एक बिल पेश करने का इरादा रखते हैं। उनका कहना था कि मेरी तरफ से ज्यादा नौसायदा है सिर्फ इस वजह से कि मैं इस किरदार में कितना हालिया हूँ, लेकिन यकीनी तौर पर इस मौसम खजा में कानून साजी के साथ आगे बढ़ने का हमारा इरादा है। हॉलैंड के दफ्तर के तर्जुमान ने कहा कि कानून साजी के लिए कोई ज्यादा मखसूस टाइमलाइन नहीं है। हुकूमत के पास फार्मा केयर प्रोग्राम है जिसमें महदूद तादाद में अद्वियात और दीगर तिबी सामान शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने 2021 में सूबाई हुकूमत को नई अद्वियात को कवरेज लिस्ट में शामिल करने की इजाज़त देने के लिए $35 मिलियन देने का वादा किया। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 81 अफराद हलाक हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 81 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासती दारुलहुकूमत शिमला समेत मुख्तलिफ इलाकों में रवां हफ्ते लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से अमवात की तादाद 81 हो गई। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घर तबाह हो गए। हुकाम का कहना है कि नशेबी इलाकों से 800 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खराब मौसम के बायस हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेजेस 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। लैंडस्लाइडिंग से रियासत में 800 सड़कें तबाह हो गई और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश की रियासती हुकूमत ने लैंडस्लाइडिंग और बारिश से होने वाले नुकसान से निमटने के लिए मरकजी हुकूमत से मदद तलब कर ली है। दूसरी जानब तुर्किया में तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट से मुताबिक इससे कबल सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 2021 में 49.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मंगल को तुर्किया के शहर एस्की शहर में दर्जा हरारत 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया में माहिर मौसमियात ने कहा है कि दर्जा हरारत बढ़ने की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है। सऊदी अरब और ईरान के आला दिफाई हुकाम की मुलाकात में दिफा और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब और ईरान के आला दिफाई हुकाम की मुलाकात में दिफा और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक वजीर दिफा के मावन तलाल अल उतैबी ने बैनुल अक्वामी सलामती से मुतालिक 11वीं मास्को कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरान के मुसल्ला अफवाज के डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अजीज नासिर ज़ादा से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रूस में मुनक़िदा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों ममालिक के आला दिफाई हुकाम की मुलाकात हुई। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से एक्स पर शेयर की गई तस्वीर के मुताबिक अल उतैबी ने रूस, चीन और पाकिस्तान के दिफाई हुकाम से भी अलग अलग मुलाकातें की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद
इस मुलाकात को नई पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वजारत ने कहा कि इन मुलाकातों के दौरान में अहदेदारों ने दिफा और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ उनको बेहतर बनाने के तरीकों का जायजा लिया। रूस की वजारत दिफा के जेर इंतजाम बैन अल-अक़वामी सलामती से मुतालिक मास्को कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के 26 वज़राए दिफा, 16 नायब वज़राए दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शिरकत की है। वाज़ेह रहे कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में 7 साल के बाद ताल्लुकात बहाल हुए थे। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.